नागपुर जहां अब तक कोरोना महामारी से हिल चुका है, वहीं अब यह स्वाइन फ्लू से पीड़ित है। जहां कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है, वहीं स्वाइन फ्लू के मरीजों की बढ़ती संख्या ने चिंता और बढ़ा दी है। स्वास्थ्य समिति की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 10 मरीजों की मौत हो चुकी है और कुछ की आशंका जता रही है। अब मरीजों की संख्या 211 हो गई है और कुछ मरीजों का इलाज किया जा रहा है। शहर में स्वाइन फ्लू के मरीजों के नए सामने आए आंकड़े के मुताबिक शहर में स्वाइन फ्लू के 129 मरीज और ग्रामीण इलाकों में 82 मरीज, कुल 211 मरीज सामने आए हैं। फिलहाल शहर में 42 और ग्रामीण क्षेत्र में 57 मरीज 99 मरीजों का इलाज चल रहा है। फिलहाल 4 की हालत गंभीर है। इसी नई बैठक में हुई मृत्यु विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार शहर में 3, ग्रामीण में 1, मध्य प्रदेश के शिवनी में 1 जैसे कुल 1 मरीज की मौत हुई है। इस मौत में शहर के 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला और एक 31 वर्षीय ग्रामीण महिला की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग संदिग्ध स्वाइन फ्लू होने से होने वाली मौत का साप्ताहिक डेट ऑडिट करता है। अब तक हुई मौतों में से नागपुर शहर में 6 और ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य जिलों में 2 और राज्य के बाहर 2 सहित 10 लोगों की मौत हो चुकी है। बैठक में पता चला है कि मरने वाले 3 अन्य मरीजों में से 10 मरीजों की मौत का कारण स्वाइन फ्लू था। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।